नफे सिंह राठी की हत्या के बाद अब परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने घर के अलग अलग नंबरों पर फोन कर धमकी दी है। बताया जा रहा है कि जिस समय आरोपियों का फोन आया उस वक्त शोक व्यक्त करने वाले लोग भी वहां मौजूद थे। धमकी मिलने के बाद परिवार के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। नफे सिंह राठी के परिवार को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली तब कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजपाल जांगड़ा भी वहां मौजूद थे। दोनों स्वर्गीय नफे सिंह राठी के घर अपनी संवेदनाएं प्रकट करने पहुंचे थे। उसी दौरान नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी के फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। और सरकार पूरी तरीके से आज हरियाणा के इस जंगल राज के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये प्रदेश, मौजूदा प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। अभी हमारे बैठे बैठे इनके परिवार पे, इनके बच्चों पे धमकियों के टेलीफोन आ रहे हैं। आज चौथा दिन है लेकिन बैठे बैठे अभी भी धमकी आ रही है। आप अंदाज़ा लगाओ कि किस तरीके से, पूरी तरीके से अपराधी भयमुक्त हो गए। बता दें सुबह से नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी और भूपेंद्र राठी के फोन पर करीब 5 से 6 बार धमकी भरे फोन आ चुके हैं जिससे परिवार सहमा हुआ है। पीड़ित परिवार ने झज्जर जिले के एसपी अर्पित जैन को भी मामले की शिकायत की है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। पूरे इलाके में नफे सिंह राठी की हत्या के बाद से भय का माहौल बना हुआ है। सरकार बदमाशों को रोकने में नाकाम रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से सवाल भी किया कि जब नफे सिंह राठी ने जान का खतरा बताकर सुरक्षा मांगी थी तो सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की। दीपेंद्र हुड्डा का कहना था कि पिछले 10 साल के शासन में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के साथ साथ अपराध में भी नंबर 1 बन गया है। सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। गैंगस्टर्स के हवाले, हरियाणा का सारा सिस्टम गैंगस्टर्स के हवाले हो गया है। और सरकार पूरी तरीके से आज हरियाणा के इस जंगल राज के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये प्रदेश, मौजूदा प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। अभी हमारे बैठे बैठे इनके परिवार पे, इनके बच्चों पे धमकियों के टेलीफोन आ रहे हैं। आज चौथा दिन है लेकिन बैठे बैठे अभी भी धमकी आ रही है। आप अंदाज़ा लगाओ कि किस तरीके से, पूरी तरीके से अपराधी भयमुक्त हो गए। नागरिकों में भयमुक्त, प्रशासन का इनका वायदा था लेकिन अपराधी भयमुक्त हो गए, ये मौजूदा बीजेपी सरकार की देन है। और हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जो भी कोई दोषी है कोई बचे नहीं, कोई निर्दोष है तो किसी निर्दोष कोई फंसे नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हमारे पूरे इलाके के सामने किया जाए और हर दोषी को जो भी इसमें शामिल पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो, जो प्रावधान है। और ये जो वातावरण, भय का वातावरण बन गया हमारे इलाके के अंदर,